नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बैतूल जिला भाजपा अध्यक्ष आदित्य बबलू शुक्ला से खबर समय जगत संवाददाता ने आज बैतूल जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश की गई कि जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भाजपा संगठन द्वारा कौन कौन से सेवा कार्य किए जा रहे हैं और स्वयं जिला अध्यक्ष क्या कदम उठा रहे हैं। इस विषय में श्री शुक्ला ने क्या कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बैतूल जिला भाजपा अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारा सवाल था कि जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आपकी ओर से क्या कदम उठाए गए। जिले में कोरोना को रोकने के लिए सत्ता और संगठन के माध्यम से जी हम लोग ने बहुत से काम करे हैं जी। और मुख्य रूप से हमारे यहाँ दिक्कत ये थी कि महाराष्ट्र से लगा होने कारण हमारा बैतूल जिला अलर्ट पे था और गांव में भी यहाँ पर संक्रमण फैला हुआ था। यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरत जो थी वो थी ऑक्सीजन की, कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड पर्याप्त मात्रा में हो। तो हमारे प्रभारी मंत्री, हमारा प्रशासन, ये सब मिलकर हमने जिले के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। पहले हमने देखा हमारे यहाँ केवल एक अस्पताल में कोरोना का इलाज होता था। हमने 13 सरकारी अस्पताल जहाँ कोविड का इलाज चल रहा है और 15 प्राइवेट अस्पताल, इतनी जगह अभी हम कोविड का इलाज करवा रहे हैं। और अभी काफी हमारे जिले में कभी संक्रमण में कमी आई है। जहाँ हमारे यहाँ 300 से ऊपर के मरीज आया करते थे, आज केवल 77 मरीज हमारे यहाँ पॉजिटिव हैं। और सत्ता और संगठन दोनों मिलकर, चाहे बेड की व्यवस्था हो चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, आज 1000 से ऊपर बेड हम लोग चला रहे हैं। मरीज को जो हमारा संक्रमित है उसको किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं आ रही है, इंजेक्शन की कमी नहीं आ रही है। और इसके अतिरिक्त भी संगठन के माध्यम से भी, चाहे हमारे बूथ अध्यक्ष हो, हमारे बूथ की टोली हो, हमारे मंडल अध्यक्ष हो, हमने ये काम चालू कर रहा है कि जो संक्रमित है या जो बीमार व्यक्ति है वो घर पर रहकर ही ठीक हो जाए। इसके लिए हम संगठन के माध्यम से अभियान जो चला रहे हैं, घर घर जाकर हम पूछताछी कर रहे हैं, घर घर जाकर हम पूछ रहे हैं कि किसी घर में कोई बीमार तो नहीं है, कोई सर्दी खांसी का मरीज तो नहीं है, कोई बुखार का मरीज तो नहीं है, कोई हार्ट पेट दर्द का मरीज तो नहीं है। और जिस घर में भी ऐसा कोई मरीज मिलता है हम उसे तुरंत कोरोना किट उपलब्ध करा रहे हैं। शासन द्वारा हर पंचायत में हर बूथ पर कोरोना किट उपलब्ध कराया गया है, ताकि उस कोरोना किट को लेकर आगे आने वाले संक्रमण उसका रुक सके और अधिक बीमार ना हो। क्योंकि क्या होता है कि गांव के अंदर व्यक्ति 4-5 दिन रास्ता देखता रहता है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा, अब ठीक हो जाऊंगा, अब ठीक हो जाऊंगा, और उस चक्कर में उसका संक्रमण बढ़ जाता है और फिर वो यहाँ आकर इलाज कराता है या टेस्ट कराता है और तब तक स्थिति जो है वो हाथ से निकल जाती है। इसलिए हमने तय करा है कि गांव में ही व्यक्ति को हम स्वस्थ करें, और ऐसा जहाँ भी व्यक्ति हमको मिलता है उसको हम घर में क्वारंटाइन होने की सलाह देते हैं। और जिसके यहाँ घर में क्वारंटाइन होने की जगह नहीं है तो उसके लिए हमने पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर खोले हैं, जहाँ भोजन की और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है। बूथ पर हम लोग पूछताछी अभियान करा रहे हैं। 80 से ऊपर पंचायतों में हमने जनता कर्फ्यू लगाया है, ताकि बाहर का कोई व्यक्ति गांव में ना आ सके, संक्रमण गांव में ना फैल सके। और गांव में ही हमारी बूथ की टीम मिलकर गांव में ही सामग्री उपलब्ध कराने का काम हमारे बूथ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। साथ ही ऐसा कोई व्यक्ति जो गांव में आता जाता दिखता है तो उसको हम रोक कर ये पूछते हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया। हमारा बूथ की टोली सैनिटाइज गांव को करने का काम कर रही है। ऐसा कार्यक्रम संगठन के माध्यम से भी हम लोग चला रहे हैं। और हमने ये संकल्प लिया है कि 30 मई तक के हमारा हर गांव, हर वार्ड, हर ब्लॉक ये कोरोना मुक्त हो। 30 मई तक हमारा ये संकल्प है कि हमारा बैतूल जिला को हम कोरोना मुक्त करेंगे। बहुत बढ़िया सर।
और मेरा ये सवाल था कि पूरे बैतूल जिला में पूरे बैतूल जिला में मतलब ऐसा कोई स्थिति है कि जहाँ पर अधिक से अधिक कोरोना संक्रमण फैल रहा हो? हमारे कुछ सेंटर हैं जहाँ अधिक फैला था, जैसे सेहरा है या बोरगांव है या चिचोली के अंदर है, ऐसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ के ग्रामीण समझने को तैयार नहीं थे। मतलब हम साथ की टीम टेस्ट के लिए भिजवा रहे थे तो वो उनको वापस कर दे रहे थे, तो ऐसा कुछ ज्यादा यहाँ फैला था। करीब एक गांव में ही 35-40 मरीज ऐसे संक्रमण निकला था वहाँ, लेकिन अभी कंट्रोल में है। जी जी, बहुत बढ़िया सर, फोन लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा जी एक ये संगठन के माध्यम से भी हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। जी, संगठन द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है सर? संगठन द्वारा जो हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, सेवा ही संगठन जी, जो कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, ध्येय वाक्य है ये सेवा ही संगठन। संगठन के माध्यम से कैसे हम लोग सेवा करें लोगों की, उसको लेकर हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारा मंडल के और बूथ तक के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन कार्यक्रम के माध्यम से संक्रमितों की और जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। हम सेवा ही संगठन के माध्यम से मास्क वितरण कर रहे हैं, हम वार्डों में सैनिटाइज कर रहे हैं, हम भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। इन सबके अतिरिक्त हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जिला कार्यालय था जी, उसको हमने कोविड सेंटर में परिवर्तित कर दिया है। आज हमारे स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में कोविड सेंटर संचालित है, जहां कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है। हमारे पूर्व सांसद, हमारे हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे सांसद, हमारे विधायक, ये सब ने मिलकर ये तय करा कि हम अपना कार्यालय को कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो उस समय तो आज हमारे यहाँ करीब 70 बेड का कोविड सेंटर हम लोग ने चालू करा है, जिसमें 30 ऑक्सीजन बेड है और 40 आइसोलेशन बेड है। और हमारे जिला कार्यालय में कोविड विजय कोविड सेंटर, जिसको हमने नाम दिया है, उसमें निःशुल्क रूप से हम हमारे जिले भर के लोगों की इलाज कर रहे हैं। उनको हम ऑक्सीजन फ्री दे रहे हैं, उनको हम दवाइयां निःशुल्क दे रहे हैं, उनको हम भोजन निःशुल्क दे रहे हैं, उनको हम सिटी स्कैन निःशुल्क रूप से करा रहे हैं। हमारे नेताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और हम लोग ने मिलकर एक ये पहल करी थी कि हमारे आदिवासी जिले में जो गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट में अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनके लिए हम ये व्यवस्था उपलब्ध कराएं कि यहाँ हमारे कोविड सेंटर में आकर, भारतीय जनता पार्टी के कोविड सेंटर में आकर उनका निःशुल्क इलाज हो और स्वस्थ होकर वो घर लौटे। तो आज ये हमारी उपलब्धि रही कि हमने हमारे कार्यालय में ही एक कोविड सेंटर शुरू करा है, जो व्यवस्थित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। हमने नर्सिंग स्टाफ भी उसमें हायर करा है, हमने डॉक्टर्स उसमें भोपाल से बुलाए हैं, और प्रशासन के मार्गदर्शन में ये कोविड सेंटर हम लोग हमारे कार्यालय पर चला रहे हैं। जी, बहुत बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं सर जिला बैतूल में। फोन लाइन पर मौजूद थे हमारे साथ आदित्य बबला शुक्ला जी, भाजपा जिला अध्यक्ष बैतूल जिला। बैतूल से खबर समाज जगत के लिए सुजीत रघुवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।